हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा हॉट टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ अबाउट द अग्निवीर्स, या जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर के आ रही है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है और काफ़ी जगहों पर इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट जो हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस स्कीम को थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ प्रोविजंस हैं और क्या इसके अंदर बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से, नेगेटिव पॉइंट्स मेनली जिनकी वजह से प्रोटेस्ट जो है जनरली लोग कर रहे हैं। ठीक है, या फ्यूचर के अंदर, जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर द स्कीम कैन बिकम वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री एज वेल एज द आर्म्ड फोर्सेस। तो वैसा कुछ देखेंगे, पहले स्कीम को समझते हैं। मेनली हमें स्कीम को समझना है क्योंकि स्कीम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अल्टीमेटली मैं बहुत सारे सोर्सेज के ऊपर, यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो मुझे पता चला कि ऑथेंटिक और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्कीम की बात करें तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस या रिक्रूटमेंट रिफॉर्म डिफेंस फोर्सेज के लिए इसको कंसिडर किया जा रहा है। और सेंटर ने ये स्कीम बेसिकली अनाउंस की है सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट के लिए तीन ब्रांचेज में, तीनों ब्रांचेज जो आर्म्ड फोर्सेज की हैं, आपकी एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, आर्मी हो गई, तीनों के अंदर ये काम करेगी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो पीरियड वगैरह वो भी मैं अभी इसके अंदर डिस्कस करूंगा। और जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रिक्रूटमेंट्स की जाएंगी, जो भी रिक्रूटेड पर्सन होंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको टाइटल दिया जाएगा अग्निवीर्स का। ठीक है, ये एक तरह से एक अलग ही रैंक होगा। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप का रैंक होगा अलग अलग फोर्सेस के अंदर। ठीक है, अग्निवीर्स का। और ये एलिजिबल नहीं होंगे पेंशनरी बेनिफिट के लिए, ये सबसे बड़ा इसका एक पॉइंट है। क्योंकि अल्टीमेटली ये बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो ये स्कीम लेकर के ही इसीलिए आ रही है, क्योंकि करंटली सरकार का अगर आप ओवर द इयर्स देखते हो तो जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर सैलरी और पेंशन बिल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है, जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट में जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि यार आपके लिए कंट्री की डिफेंस जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए, वो प्राइम इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए, एंड नॉट रिड्यूसिंग योर बिल। ओके, नॉट रिड्यूसिंग योर सैलरी और पेंशन बिल, वो आपका प्राइम मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इस स्कीम की बात करें तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर सोल्जर्स विल सीज टू एग्जिस्ट। ओके, तो अल्टीमेटली जो अभी सोल्जर्स की भर्ती होती है, अभी हमारे देश के अंदर क्या होता है, सोल्जर की भर्ती होती है, फिर वो एक पर्टिकुलर पीरियड लंबे समय तक के लिए जो है वो सोल्जर्स आर्मी के अंदर रहते हैं। लेकिन अब ये अग्निवीर का जो फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है या जो प्रेजेंट सिस्टम है रिक्रूटमेंट का आर्मी के अंदर सोल्जर्स का, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिसर रैंक के लिए तो अभी भी जो सिस्टम चलता आ रहा है वो चलेगा। ठीक है, ऑफिसर से नीचे के रैंक्स जो हैं, जो जवान्स हो गए या नेवी के अंदर जो सेलर्स होते हैं, एयरफोर्स के अंदर जो एयरमैन होते हैं, उसको अग्निपथ स्कीम के अंदर रिक्रूटमेंट की जाएगी। जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो सिस्टम वैसे ही चलेगा, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन या एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स के थ्रू जो सिलेक्शंस होती हैं वो सिस्टम वैसे ही चलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लेकर के आ जा रहा है, बिलो ऑफिसर रैंक रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये है कि सबको ये करना पड़ेगा। नहीं, ऑफिसर लेवल के लिए आपका अभी भी वही प्रोसेस है जो पहले चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इसका मेन एम, जैसे कि मैंने आपको बताया, सैलरी और पेंशंस को रिड्यूस करना है, एक। दूसरा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना। ठीक है, तीसरा, यंग ब्लड को मिलिट्री के अंदर लेकर के आना, जो एवरेज एज है आर्मी की वो कम करना। अभी पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर मैं दिखाऊंगा कि करंटली जो एवरेज एज है आर्मी के अंदर दैट इज 32 ईयर्स। तो सरकार कह रही है कि ओवर द टाइम हम जब इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे तो ओवर द टाइम जो एवरेज एज है आर्मी के अंदर वो 26 ईयर्स आ जाएगी। तो एवरेज एज को कम लेकर के आया जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो टूर ऑफ ड्यूटी, एक तरह से एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री यंग ब्लड्स को दिया जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सडनली इसको लेकर के आया गया है, 2 साल पहले भी इसके बारे में सोचा गया था और लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज पे इसको इंप्लीमेंट करके भी देखा गया था। अल्टीमेटली जून 14, 2022 को कैबिनेट ने ये स्कीम को अप्रूव कर दिया है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो इस स्कीम के अंदर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सबसे पहले तो वो 4 साल का उनका पीरियड होगा सर्विस का, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपकी नेवी हो, 4 साल के लिए वो काम करेंगे।
जो एज ग्रुप है एंट्री का वो होगा 17.5 से लेकर के 21 ईयर्स, यानी कि अगर आप 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो अग्निपथ स्कीम के अंडर। अब इसके पीछे काफी ज्यादा जो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म इस स्कीम का किया जा रहा था, आगे मैंने पॉइंट को मेंशन भी किया पर मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ इसको। बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या था, आप सब जानते हो कि पिछले 2 साल से कोविड की अलग अलग वेव चल रही है, ठीक है, तो पिछले 2 साल से आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो अब 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो डेफिनेटली आर्मी के अंदर सोल्जर बनना चाहते हैं उनको तो मौका ही नहीं मिला, और क्या पता अब उनकी एज लिमिट भी एक्सीड कर गई हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सरकार क्या बोल रही है, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और मेजर जो विद्रोह चल रहे थे ये एक पॉइंट था जिसके ऊपर बहुत सारा विद्रोह हमने यूपी बिहार हरियाणा जैसी स्टेट्स के अंदर काफी विद्रोह देखने को मिला, ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट था। तो इसके लिए भी सरकार ने क्या बोल दिया है कि चलो ठीक है इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं 2022 को, क्योंकि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ये कंसिडर करते हुए 2022 के अंदर जो एलिजिबिलिटी एज हमने सेट कर दिया है वो क्या कर दिया, 17.5 से लेकर के 23 हमने कर दिया, ठीक है, कि अगर आप 2022 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप 23 साल की उम्र तक भी अप्लाई कर सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि पिछले 2 साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ठीक है जी। कैंडिडेट अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो बेसिकली वो एडल्ट नहीं हुए, नॉन एडल्ट हैं, ठीक है, तो उस केस में उनको फॉर्म जो है वो साइन करवाना पड़ेगा अपनी एनरोलमेंट का अपने पेरेंट्स या गार्डियन से। मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड जो हैं वो सेम रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं से लेकर के 12वीं तक की क्वालिफिकेशन रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि किस सर्विस को वो चूज कर रहे हैं और किस रोल के लिए वो जा रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए जाना है आर्मी के अंदर तो उसके लिए क्लास 10 चलेगा, एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके अंदर सर्टेन कैटेगरीज के अंदर क्लास 12th जो है वो एलिजिबिलिटी रहेगी, तो वो फोर्स टू फोर्स जो है वो डिपेंड करेगी। ओके, सरकार कह रही है कि इस साल हम 46,000 अग्निवीर्स को रिक्रूट करेंगे एंड हर 6 महीने में ये रिक्रूटमेंट जो है वो की जाएगी, हर 6 मंथ्स के अंदर ये प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। नेवल चीफ जो प्रेजेंट थे व्हाइल द स्कीम वाज बीइंग अनाउंस्ड, तो नेवल चीफ ने तो क्लियर कर दिया, नेवी ने तो क्लियर कर दिया कि जो वुमेन है वो भी इस अग्निवीर इनिशिएटिव का पार्ट रहेंगी, ठीक है, तो बेसिकली वुमेन सोल्जर्स भी इसके अंदर रहेंगी, और बाकी डिफेंस फोर्सेस ने अभी तक ऐसी कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं दी है, और इस स्कीम के अंदर जो पहली रिक्रूटमेंट होगी वो अगले 90 दिन के अंदर उसको किया जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें तो अग्निवीर्स को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं डिफेंस फोर्सेस के उनके अंदर, एंड जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग जो है वो मैक्सिमम 6 महीने की होगी, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद इमिजिएटली उनको जो है डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये 4 साल की सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, तो 4 साल की सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन 4 ईयर सर्विस, ठीक है जी। तो 6 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग होगी, किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर ये ट्रेनिंग कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा अगेन टाइप ऑफ ड्यूटी के ऊपर। ओके, तो 6 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग होगी एंड बाकी के 3.5 ईयर्स के लिए डिप्लॉयमेंट उनकी कर दी जाएगी। ऑलराइट, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने बोला है कि देखो जो अग्निवीर हैं इनको हम प्रॉपर सोल्जर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर छावनियों के अंदर बैठेंगे, नहीं, इनको हम पाकिस्तान चाइना जैसे जो कंफ्लिक्टेड एरियाज हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर भी डिप्लॉय किया जाएगा इनको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहेगा एनरोलमेंट के लिए अग्निवीर्स की, और स्पेशलाइज्ड रैलीज कैंपस इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है, और सिलेक्शन जो है वो आर्म्ड फोर्सेज का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। परमानेंट एनरोलमेंट का भी इसके अंदर फीचर है। अच्छा, ये वाला एक पॉइंट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी है, परमानेंट एनरोलमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक क्रिटिसिज्म भी है, उसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं। काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 4 साल की सर्विस के बाद बस खत्म, उसके बाद चॉइस है ही नहीं कि आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक चॉइस आपको दी गई है, परमानेंट एनरोलमेंट की चॉइस भी आपको दी गई है। तो सरकार क्या कह रही है स्कीम के अंदर कि 4 साल के बाद जब आप 4 साल कंप्लीट कर लेते हो तो अग्निवीर जो है वो एलिजिबल हो जाता है कि वो परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। सरकार कह रही है कि 100 में से 25% जो है सेलेक्ट किए जाएंगे फर्दर
परमानेंट एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 अग्निवीर हैं तो 100 में से 25 का सिलेक्शन किया जाएगा जो चूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली वॉलंटरी होगा ये, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप परमानेंट एनरोलमेंट के लिए अपने आप को चूज करो या आप इनिशिएट लो, नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो जो लोग चॉइस लेंगे उसमें से 25% जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर रेगुलर काडर्स के अंदर, ओके। एंड जो ये 25% लोग सेलेक्ट होंगे तो इनको मिनिमम 15 साल सर्व करना पड़ेगा और इनकी सैलरी वगैरह जो है वो रेगुलर सोल्जर के हिसाब से उसको रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बचे 75%। अब आप कह रहे हो कि ठीक है सर, 25% तो हम ले लेंगे परमानेंट एनरोलमेंट के अंदर, 100 में से 25 तो हमने परमानेंट कर दिए, बाकी के 75 का क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इस स्कीम का कि भाई बाकी के 75% का क्या करोगे 17 साल की उम्र में, 17.5 साल की उम्र में। अभी 17.5 साल की उम्र में फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के की 12वीं खत्म हुई है, ठीक है। 17 साल की उम्र में जनरली आप 12वीं खत्म करते हो, 12th खत्म करते हो, तो 12वीं के बाद मतलब वो कॉलेज तो जा नहीं रहा है। अल्टीमेटली आप 21 साल की उम्र में वो खत्म हो जाएगा, अगर 17.5 में कोई लगा तो 4 साल 21.5 साल के में बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। नौकरी गई तो री एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, वो करेगा क्या आगे, क्या करेगा वो, आर्मी से तो खत्म हो गया उसका लेना देना। तो री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार कह रही है कि हम री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे बाकी के 75% के लिए जो सर्विसेज से बाहर होकर के सोसाइटी में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और सरकार कहती है कि ये रोल मॉडल बनेंगे बाकी की यूथ के लिए, ये जो अग्निवीर होंगे, ठीक है। बहुत सारी जो स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, यूपी, एमपी, इन्होंने अनाउंस किया है कि अग्निवीर जो है इनको पुलिस रिक्रूटमेंट के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको जो आपकी सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज है उनके अंदर इनको प्रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो ये एक इसका एनरोलमेंट के अंदर भी इनके लिए रखा गया है। सरकार ये सोच रही है कि हाँ यार 21 साल की उम्र में अगर वो बाहर निकल जाएंगे तो फर्दर उनको एम्प्लॉयमेंट तो हमें देनी है ना। तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है, सोचा जा रहा है। एक क्रिटिसिज्म इसका ये है कि इसको एकदम से लार्ज स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसको पहले एक छोटे स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि छोटे स्केल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करके देखा जाना चाहिए था, या किसी एक पर्टिकुलर सिंगल फोर्स के अंदर पहले इसको लगा देते, जैसे आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर लगा करके देख लेते। आपने तीनों के अंदर एक साथ लगा दिया तो पता नहीं चल पाएगा ना एकदम से कि हाँ यार 4 साल पता, क्योंकि रिजल्ट तो आपको 4 साल बाद ही पता चलेगा कि जो 75% लोग निकले उनको रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ सरकार और क्या कह रही है, बेसिकली सरकार कहती है कि अगर लड़ाई हो गई, अब फॉर एग्जांपल किसी के 4 साल खत्म हो गए, वो सोसाइटी में रिटर्न कर गया और अब वो आर्मी में नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल सिविलियन की लाइफ जी रहा है। तो सरकार कहती है कि अगर वॉर हो जाता है और 4 साल खत्म भी हो गए, वो एक नॉर्मल सिविलियन की लाइफ जी रहा है, तब भी उसको कॉल बैक किया जा सकता है अगर फुल फ्लेज वॉर जो है वो देश का छिड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे बेनिफिट्स की, ठीक है। तो बेनिफिट सरकार ने क्लियरली यहां पर बताए हैं। सरकार कहती है कि देखो सैलरी जो है ये एक मंथली सैलरी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में देयर विल बी वन अमाउंट, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में मंथली कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मंथली कितनी सैलरी होगी, 30,000 रुपये होगी। अब ये 30,000 रुपये में से 70%, 30,000 का 70% जो है वो उसको इन हैंड मिलेगा, यानी कि 21,000 रुपये तो उसको उसके हाथ में मिलेंगे, उसके अकाउंट में आ जाएंगे जिसको वो यूज कर सकता है, ठीक है। 9,000 रुपये जाएंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर, ठीक है। 30,000 में से 9,000 जाएंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर। जितने कॉन्ट्रीब्यूट सोल्जर कर रहा है, यानी कि 30%, यानी कि 9,000, उतना ही कंट्रीब्यूट भारत सरकार भी करेगी इस फंड के अंदर, ठीक है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इस फंड के अंदर 9,000 प्लस 9,000 18,000 ऐड हो रहे हैं हर महीने, ठीक है। और उसको इन हैंड मिल रहे हैं 21,000। तो एक तरह से आप ये लगा सकते हो कि पहले साल में उसकी सैलरी टोटल, अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो 21,000 इंटू 12 कर लोगे बेटा, 21,000 इंटू 12 कर लोगे, ठीक है, और 18,000 इंटू 12 कर लोगे, ठीक है जी। तो क्या आएगा बेटा, 21,000 इंटू 12 और 18,000 इंटू 12। आप लोग क्वांट वगैरह की भी तैयारी करते हो, तुम्हारा टीचर का तो चलो हाल थोड़ा तंगी है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2,52,000, और 18,000 इंटू 12 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2,16,000। टोटल इसका कितना बन गया,
4,68,000 बन गया फर्स्ट ईयर के अंदर। और जितना भी इसको पैसा मिलेगा, जितनी भी इसको तनख्वाह मिलेगी, उसके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगले साल सेकेंड ईयर में इसकी जो मंथली सैलरी है वो 33,000 हो जाएगी। अगेन इसके हाथ में आएंगे 23,100 रुपये, 9,900, 9,900, इस तरीके से चार फोर्थ ईयर तक इसकी सैलरी जो है एक महीने की 40,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सारा कंट्रीब्यूशन है, जो हर साल का कंट्रीब्यूशन है जो फंड के अंदर जा रहा है, चाहे वो आपके अग्निवीर्स का है चाहे वो भारत सरकार का है, तो रफली 5,02,000, 5,02,000 सरकार और अग्निवीर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 10,04,000 तो इस फंड के अंदर चला जाएगा, कॉर्पस फंड के अंदर चला जाएगा, जो उसको मिलेगा। कब मिलेगा? जो उसको 4 साल पूरे होने के बाद मिलेगा। तो ये पैसा भी उसका इकट्ठा हो रहा है, ये जो 10,04,000 रुपए हैं, इस 10,04,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स अगर आप करंट इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे तो अराउंड 11.71 लाख रुपीज उसको मिलेगा। और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री अमाउंट है, ये कंप्लीटली क्या है, टैक्स फ्री अमाउंट है जो फंड के अंदर जा रहा है, ठीक है जी, 11.71 लाख रुपीज। ओके, तो ये भी एक अच्छा अमाउंट है बेटा। 21.5 साल की उम्र में, अगर कोई 17.5 साल की उम्र में चला गया या कोई 20 साल की उम्र में भी चला गया, 24 साल में 11,70,000 रुपये कौन कमाता है? और सैलरी तो अलग है, 4 साल की सैलरी तो अलग है। एक साल की सैलरी मैंने कितनी बताई थी, 4,68,000। उसी तरीके से अगर आप बाकी का भी कैलकुलेट करो, सेकेंड ईयर में जो उसका रफली अमाउंट बनेगा वो बनेगा 23,100 इंटू 12, 2,77,200 प्लस 2,37,600 इसका फंड का हो गया, ठीक है। तो अराउंड कितना हो गया, 6 और 2 8 14, 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5, 5,14,800 सेकेंड ईयर के अंदर जो ग्रॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अराउंड 20-25 लाख रुपए बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। कौन, आपने कमाए थे क्या 22 साल की उम्र में 20 से 25 लाख रुपए? ठीक है, तो वो नहीं था, ठीक है बेटा। तो ये इसका है। उसके अलावा जो सर्विस के टाइम पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज आर्म फोर्सेस के लोगों को अवेलेबल होती हैं, कैंटीन सर्विसेज वगैरह अवेलेबल होती हैं, वो इनको भी रहेंगी। 30 दिन का एनुअल लीव का रहेगा, सिक लीव का रहेगा, सब कुछ उसके अंदर रहेगा, ठीक है। इनको एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि इसके अंदर इनको एक भी पैसा नहीं डालना है, उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख रुपीज़ का इनकी सर्विस के टाइम पर, जो 4 साल का पीरियड है। अगर डेथ हो जाती है सर्विस के टाइम पर, ठीक है, तो उस जो भी डिसीज्ड अग्निवीर है उसका जो भी नेक्स्ट ऑफ द किन होगा, जो भी एलिजिबल पर्सन होगा, उसको इंश्योरेंस का मनी मिलेगा, ठीक है। इंश्योरेंस मनी कितना हो गया बेटा, अराउंड 48 लाख रुपीज़ हो गया। उसके अलावा वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट 44 लाख रुपीज़, 48 लाख रुपीज़ ये मिलेंगे। उसके अलावा 44 लाख रुपीज़ और मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल डेथ जो हुई वो 1 ईयर आफ्टर हो गई ज्वाइनिंग द सर्विस, अभी 3 साल और पड़े हैं, या 2 ईयर आफ्टर द सर्विस हो गई, अभी 2 साल और पड़े हैं, तो जितना पीरियड उसका बचा है 4 साल में से, जो भी उसका अनसर्व्ड पीरियड बचा है, उसका भी सारे का सारा पैसा उसको मिलेगा, उसका फुल पेमेंट उसको मिलेगा, ठीक है, जो भी उसका मंथली अमाउंट बनता है, ऑलराइट। और जो भी उसका सेवानिधि फंड का पैसा है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का पैसा है, जो भी इंटरेस्ट है सारा मिलेगा। तो अराउंड 1 करोड़ से ऊपर जो है वो अग्निवीर के नेक्स्ट ऑफ द किन को मिलेगा अगर हो जाती है सर्विस के टाइम पर, अराउंड 1 करोड़ रुपए। तो अच्छा खासा उसके अंदर भी एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अग्निवीर सर्विस छोड़ सकता है 4 साल से पहले? तो वॉलेंटरीली तो नहीं छोड़ सकता, ठीक है, वॉलेंटरीली तो नहीं छोड़ सकता, ऐसा एयरफोर्स के चीफ ने जो हमें ब्रीफिंग दी उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वॉलेंटरली नहीं छोड़ सकता, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करेगी तो ही अलाउ किया जाएगा, नहीं तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा बेटा आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर, ठीक है। अब कंसर्न्स क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव देखो, यूथफुल प्रोफाइल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अभी जो एवरेज एज प्रोफाइल है सर्विंग पर्सनल की आर्मी में 32 ईयर्स की है, ये 26 पर आ जाएगी अग्निपथ स्कीम में आने के बाद। एक क्रिटिसिज्म इसका ये चल रहा है कि यार 12वीं के बाद आप लोगों को ले गए आर्मी के अंदर, तो दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट, तो अल्टीमेटली वो फ्यूचर के अंदर कैसे, एक पब्लिक लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर कैसे उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी?
तो अल्टीमेटली इग्नू ने बोला है कि हम 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम लेकर के आएंगे अग्निवीर्स के लिए, जो जल्दी अनाउंस होगा, तो डिटेल जब अनाउंस होगा तब देखेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा सरकार कह रही है कि देखो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी अग्निपथ स्कीम के अंदर, जो यंगस्टर्स के अंदर डिसिप्लिन को बिल्डअप करेंगी, मोटिवेशन, प्रिजर्वेंस, टीम स्पिरिट, जो अल्टीमेटली उनकी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हर फॉर्म में हेल्पफुल जो है वो रहेगा। नेगेटिव क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा इसका अभी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसा बोला जा रहा है कि यार रिफॉर्म आप लेकर के आ रहे हो क्योंकि आपको सैलरी और पेंशन का बिल कम करना है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यार सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि सैलरी और पेंशन का बिल। दूसरी चीज बड़ा एक ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा जिसके ऊपर सोसाइटी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हम 40,000 लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप ये लगा करके चलो 40,000 लोग अराउंड रिजेक्ट होंगे, 75%, 4 साल कंप्लीट करने के बाद अराउंड 40,000 लोग हर साल रिजेक्ट होंगे, ठीक है, जो 4 साल सर्व करके आ गए। अब ये रिजेक्टेड है, एक तो इनको दुख है कि यार अपन रिजेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये 25% के अंदर नहीं है जो फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, रिजेक्ट होकर के आए हैं। अब 21 साल की उम्र में ये रिजेक्ट होकर के आ गए फॉर एग्जाम्पल, या 22 साल की उम्र में, या 23 साल की उम्र में रिजेक्ट होकर के आ गए, ना इनके पास कोई जॉब है, ठीक है, ना इनके पास कोई डिग्री है ग्रेजुएशन की अभी हाल फिलहाल, जब जो अभी तक हमें बताया गया है गाइडलाइंस के अंदर। और ऊपर से ये आर्म्स के अंदर ट्रेंड है, मिलिट्री ट्रेनिंग इनको मिली हुई है, तो क्या ये सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं बन सकते? एक रिजेक्टेड बंदा, एक बंदा जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, जिसके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं बची, और वो ट्रेंड है मिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर, क्या वो कल को देश की सिक्योरिटी के लिए रिस्क नहीं बन सकता? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है बेटा, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ओके, 2 साल का जो सस्पेंशन वाला पीरियड है उसको तो चलो सरकार ने कवर कर दिया, अब ये नेगेटिव पॉइंट के अंदर नहीं रहा। सरकार ने बोल दिया कि ठीक है 2022 के लिए जो अपर लिमिट है वो हम 23 साल कर रहे हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट, ये पॉइंट वरुण गांधी ने उठाया, बीजेपी के ही एक मिनिस्टर हैं, बीजेपी के ही एक मेंबर हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ट्रेनिंग कॉस्ट पे कितना वेस्टेज हो रहा है। तुम अराउंड 40 60,000 1 लाख लोगों को ट्रेन करोगे हर साल, ठीक है, और अल्टीमेटली 4 साल बाद उनमें से सिर्फ 25% सिलेक्शन होंगे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ट्रेनिंग के ऊपर भी तो खर्चा आएगा, तो वो भी तो एक नुकसान है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इसके पिकअप किए गए हैं। अल्टीमेटली अभी इसके अंदर ना बहुत सारी डिटेल्स और सामने आएंगी, ठीक है, अभी तो एक ब्रीफ स्कीम इन्होंने निकाल दी, अभी इसके लिए और डिटेल्स आएंगी। और क्योंकि इसके अंदर विद्रोह काफी ज्यादा चल रहा है, तो जो जो प्रॉब्लम्स है सरकार ने काफी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की भी है। जैसे ये वाला पॉइंट था कि 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो इसको सरकार ने कह दिया कि चलो 2022 के अंदर 23 साल तक का लिमिट रख दिया, ठीक है। जो पॉइंट था कि भाई आफ्टर 4 ईयर्स क्या है, तो उसके अंदर ग्रेजुएशन के लिए 3 ईयर प्रोग्राम का कुछ लेकर के आ रहे हैं, वो भी ठीक है, बढ़िया चल जाएगा, ठीक है। मेन जो मेरे को सबसे बड़ा, मेरे लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये वाला है, ये वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अग्निवीर स्कीम। अभी आने वाले समय में हमारे पास और सारे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वगैरह आते रहेंगे न्यूज़पेपर्स के अंदर, जिसमें से हमें फर्दर एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियंस हैं वो मिलते रहेंगे, तो उनको भी हम टाइम एंड अगेन आपके साथ डिस्कस करेंगे अगर कोई बढ़िया पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही, कुछ जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।